गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे बेटा आप लोग? ठीक है, आज हम पाठ 12 पढ़ेंगे, शिखर के शहंशाह एवरेस्ट, यानी एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो शहंशाह है उनके बारे में हम इस चैप्टर में जानकारी लेंगे। देखिए, यूं तो संसार में अनेक पर्वत शिखर है, पर उन सब पर्वत शिखर का शहंशाह है एवरेस्ट। कौन है? एवरेस्ट। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, क्वेश्चन बन सकता है, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट। इस पर्वत शिखर को एवरेस्ट नाम कहां से मिला? आज के सर्वेक्षण जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवरेस्ट पड़ा, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे। चीनी भाषा में इसका नाम चोमो लुंगमा और नेपाली भाषा में सागर माथा है। एक शिखर और तीन तीन नाम, सबसे ऊंचा है ना, ऊंचाई भी कितनी? 29,028 फीट। लगभग 6 करोड़ वर्ष से शिखर गर्भोन्नत मस्तक किए खड़ा है। इतनी ऊंचाई मनुष्य की तो बात ही क्या, परिंदा भी इसके ऊपर नहीं जा सके, लेकिन मनुष्य तो आखिर मनुष्य है, असंभव को संभव बनाने के लिए वह सदा प्रयत्नशील रहता है। खतरों से खेलना उसकी आदत है, अज्ञात को जानना उसे बहुत प्रिय है। फिर भला अविजित एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयत्न वह क्यों नहीं करता? एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास सबसे पहले पर्वत गोई जॉर्ज मैनोली और एंड्रयू इरविन दोनों ब्रिटेन के निवासी थे। 8 जून 1924 को वे दोनों एवरेस्ट के उत्तरी छोर से आगे बढ़ते हुए 23,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचे थे, लेकिन अफसोस वे वहां कभी वापस नहीं लौट सके। मैलोरी का शव 75 वर्ष बाद 1999 में बर्फ में दबा हुआ मिला। 75 वर्ष बाद, सोचो आप। बाधाएं चाहे कितने भी दुर्लभ हो, मनुष्य ऐसे बाधाओं से निराश होकर चुप बैठने वाला प्राणी नहीं है। कोई भी कठिन चुनौती उसे नूतन उत्साह का संचार कर देती है, मतलब नया उत्साह। लेकिन 1934 में ब्रिटेन के मॉरिस विल्सन तो सचमुच दुस्साहस कर बैठे। वे अकेले ही एवरेस्ट की चढ़ाई करने जुट गए। 21,000 फीट की ऊंचाई तक वे पहुंचे थे, लेकिन लक्ष्य से बहुत दूर रहे। अकेले एवरेस्ट विजय प्राप्त करने की लालसा में मॉरिस विल्सन ने घनी बर्फ में अपने प्राणों की बलि दे दी। अब आया 1938 का साल। इस साल टिलमैन के नेतृत्व में शेरपा तेजिंग ने एवरेस्ट पर चढ़ने की ठानी। चढ़ते समय बेचारे तेजिंग के पैरों के नीचे बर्फ धस गई और हजारों फीट गहरे खड्डे में गिरते गिरते किसी तरह बचे। यह दल 27,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा। 1947 में डैनमान और तेजिंग ने एवरेस्ट पर चढ़ने का असफल प्रयास किया। 1952 में पर्वतारोही 28,250 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सफल हो गए। इस पर्वतारोही दल का डॉक्टर डुनंत और तेजिंग भी सम्मिलित थे। एवरेस्ट जैसे सर्वोच्च शिखर पर चढ़ना अत्यंत जोखिम का काम है। यहाँ इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, देखो क्या क्या प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की कमी, बेहतर बर्फीले तूफान, टूटकर गिरते हुए हिमखंड, बर्फ से डरने कारण दिखने वाले मीलों गहरे गड्ढे पर्वतारोहियों को पल पल मौत का आमंत्रण देते हैं। ठंड के कारण बर्फ में जमने का भय भी सताता है। गले की खराश, नींद की कमी, सिर दर्द, खाने की अनिच्छा, बुझने वाली न बुझने वाली प्यास भी परेशान करती है। लेकिन साहसी पर्वतारोही बड़ी से बड़ी बाधा आने पर भी नहीं घबराते, हौसला नहीं खोते, वे बड़े से बड़े संकट का समाधान खोज लेते हैं। एक दिन तेजिंग और हिलेरी बर्फ की ऊंची दीवारों के बीच में से ऊपर चढ़ने का रास्ता बना रहे थे। अचानक हिलेरी के पैरों के नीचे की बर्फ धस गई, वे एक गहरे दरार में नीचे जा गिरे। तेजिंग और हिलेरी दोनों एक रस्सी से बंधे थे। तेजिंग संभले, उन्होंने फौरन अपनी कुल्हाड़ी बर्फ में काट दी तथा हिलेरी को अधिक नीचे गिरने से रोका। फिर धीरे धीरे रस्सी खींचकर उन्हें मौत के मुंह से निकाला। इस अभियान में पर्वतारोही ने अथक परिश्रम करके अधिकाधिक ऊंचाई पर 9 शिविर बनाए। 9वां शिविर एवरेस्ट के शिखर से लगभग 1,000 फीट नीचे था। अंत में 29 मई 1953 को सफलता की बेला आ पहुंची। अपनी जान की बाजी लगाकर सीधी खड़ी पर फिर चट्टानों पर चढ़ते हुए हिलेरी और तेजिंग ठीक 11:30 पर एवरेस्ट शिखर पर जा पहुंचे। वे एवरेस्ट पे भारत, नेपाल और ब्रिटेन के झंडे फहराकर नीचे लौटे। मनुष्य के साहस और उसके सामने इस बार एवरेस्ट ने सिर झुका दिया। इन एवरेस्ट विजेताओं का संसार भर में भव्य स्वागत हुआ। एवरेस्ट में विजय के बाद पर्वतारोहियों के आने जाने की होड़ लग गई, मतलब कॉम्पिटिशन हो गया। 1965 में कैप्टन एम एस कॉली के नेतृत्व में 2 भारतीय पर्वतारोही एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल
रहे। पर्वतारोहण के साहसिक अभियान में महिलाएं भी बला क्यों पीछे रहती। 1975 में जापानी पर्वतारोही महिला जुको तवई ने अत्यंत दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस का परिचय दिया। वह एवरेस्ट की ऊंचाई पर लगे एक आधार शिविर में रात को सो रही थी, तभी बहकर बर्फीले तूफान उनके साहस की परीक्षा लेने आ पहुंचा। तूफान में उनका तंबू उखड़कर दूर खड़ा हो गया। वह बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई। बर्फ के गोले उसके ऊपर गिरने लगे, वह बर्फ में दब गई। कुछ देर बाद उसे अन्य पर्वतारोहियों ने बर्फ के नीचे से निकाला। भयंकर शीत के कारण वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। सबने उसे और ऊपर न चढ़ाने न चढ़ने की सलाह दी। क्या दृढ़ निश्चय झुको दुबई रुकी हाँ रुकी एवरेस्ट की चोटी पर जाकर। बाद में एक साहसी महिला का अनुकरण करती हुई 70 महिलाएं एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने में सफल रही। शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल है। कौन है पहली भारतीय महिला? बचेंद्री पाल। एक अन्य भारतीय महिला है संतोष यादव। लगता है अब तो एवरेस्ट पे पहुंचकर नए नए कीर्तिमान स्थापित करने की होड़ लग गई। इटली के रेनॉल्ड पैसे ने एवरेस्ट पे चढ़ने की धूल में अपने प्राणों को ही दांव पर लगा दिया। अन्य लोग ऑक्सीजन साथ लेकर ऊंचाइयों पर चढ़ते, लेकिन मैंसर बिना ऑक्सीजन के ही एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गया। वह भी एक बार नहीं दो दो बार 1978 और 1980 में। लगता है मैंसर का टूट हौसला उसके लिए ऑक्सीजन बन गया था। नेत्रहीन पर्वतारोही एटिक विंडवेयर का दुस्साहस देखे सभी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। नेत्रहीन मतलब उनको आंखें नहीं थी, उनके दिखाई नहीं देता था उनको। उन्होंने सोचा आंखें नहीं है तो क्या हुआ, हाथ पैर तो सलामत है, मैं एवरेस्ट पे अवश्य फतह करूंगा। दृढ़ संकल्प वाला ये नेत्रहीन पर्वतारोही खतरों का सामना करता हुआ एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में सफल हो गया। देख लो बच्चों, अगर मन में उत्साह है तो कोई भी बाधा हमारे सामने नहीं आ सकती। सोचो एवरेस्ट पे एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच गया एक नेत्रहीन व्यक्ति। 41 वर्षीय आपा शेरवा के मन में एवरेस्ट के पति का गहरा आकर्षण रहा कि वह एक या दो बार नहीं पूरे 12 बार एवरेस्ट पे चढ़ा। न दुर्लभ कीर्तिमान है, मानव के अदम्य साहस की पराकाष्ठा है। कुछ लोग हमेशा सनसनी के कारनामे करने की फिराक में रहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में क्यों डालनी पड़े। एक फ्रांसीसी दंपति जाने क्या सूझी वे एवरेस्ट की चोटी पर जा पहुंचे। उस दंपति का नाम था वंडरेड और क्लेरी रेस्टो, मतलब हस्बैंड वाइफ। उन्होंने सचमुच कमाल कर दिया। चोटी पर धीरे धीरे उतरने की बजाय उन्होंने पैराशूट के सारे चोटी से छलांग लगा दी। वे हवा में तैरते हुए 10 मिनट में 8,300 मीटर की ऊंचाई पर बने शिविर में उतरे। जानते हैं वे कितने मीटर तक हवा में तैरे? पूरे 548 मीटर। उन्होंने साहसिक कारनामा 22 मई 2003 ईस्वी को कर दिखाया। लेकिन वे दोनों एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले दंपति नहीं थे। उन्होंने उनसे पहले तो अमेरिका दंपति फिल और सुसान 17 मई 2002 में एवरेस्ट पे पहुंचने में सफल हो चुके थे। सचमुच दृढ़ संकल्प हो तो क्या नहीं किया जा सकता। बाधाएं तो केवल कायरों का मार्ग रोकती है। भले चंगे स्वस्थ लोग भी एवरेस्ट की खतरनाक चढ़ाई में खौफ खाते हैं, मतलब डरते हैं। अमेरिका के 37 यानी 37 वर्षीय गैरे जॉन कुलर पे किसी और मिट्टी के बने, उन्होंने सोचा मेरा एक हाथ ही है तो क्या हुआ, वही दोनों हाथों का काम करेगा। मतलब सोचो उनके एक हाथ ही था और फिर भी वो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गए। एक बड़ा कूलर रोधों की बाधाओं को झेलते हुए 2003 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर जा दम किया। बड़े लोग बाजी मार ले गए और किशोर बैठे देखते ये कैसे हो सकता है। 2001 में नेपाल के किशोर तैतवशेर ने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का साहसिक कारनामा कर दिखाया, किंतु उसका यह अभियान दुखद रहा। शिखर से लौटते समय साहसी किशोर बर्फीले तूफान में फंस गया और बर्फ में उसके दोनों हाथों की उंगलियां गल गई। किशोर साहस दिखाया तो किशोरियां भला कैसे पीछे रह सकती है। केवल 15 वर्षीय शेरपा मिंग किपा ने 2003 में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर सिद्ध कर दिया कि किशोरियां भी किसी से कम नहीं है। वह अपने बड़े भाई और बड़ी बहन के साथ संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर जा पहुंची। दौड़ प्रतियोगिता में कम से कम समय अधिक से अधिक दूरी तक करने की होड़ रहती है। अब यह होड़ एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में शुरू हो गई। मानो यह एवरेस्ट की जोखिम भरी चढ़ाई ना हो, दौड़ का मैदान हो। पहले बाबू श्री शेरपा ने 16 घंटे 56 मिनट में एवरेस्ट पर पहुंचने का कीर्तिमान बनाया था।
अब नेपाल के पेवा दोर्जी ने मई 2003 में केवल 12 घंटे 24 मिनट में एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर नया कीर्तिमान कायम किया। कौन जाने के लिए कीर्तिमान भी ऐतिहासिक चीज बन जाए। एवरेस्ट अभियान के बारे में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, प्रारंभिक अभियान क्यों असफल रहे, अब बार बार सफलता कैसे मिल जाती है। इसका कारण यह है कि पहले की अपेक्षा रास्ते और वातावरण की अधिक जानकारी प्राप्त हो चुकी है। दूसरे अधिक वैज्ञानिक प्रगति होने के कारण पर्वतारोहण के सहायक अधिक उन्नत उपकरण उपलब्ध है। उदाहरण के लिए वैसा एयरबैग बन चुका है जो बर्फ धंसने के कारण खतरनाक गहरी दरारों और फंसे हुए पर्वतारोही को प्राणवायु की कमी में 3 घंटे तक जीवित रखता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी में। एयरबैग की जोड़ी पर्वतारोही को दौड़ान से नीचे गिरने नहीं देती है, हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे नीचे आता है। क्या मजा जो ऊंचाई से गिरने पर एक भी खरोंच तक आ जाए। मई 2003 में एवरेस्ट पर प्रथम विजय की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। कब मनाई? 2003 में। इस अवसर पर दुनिया भर के नए पुराने लगभग 1500 पर्वतारोही एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने में पहुंचे थे। करोड़ों वर्ष से अपराजित थी एवरेस्ट एक बार क्या हारा फिर हारता ही गया। मनुष्य का विचरण निर्बाध गति के आगे बढ़ता रहा। मनुष्य ने अपने अतुल्य साहस संकल्प बुद्धि बल और परिश्रम के बल पर एवरेस्ट विजय के सत्यम दुष्कर कार्य को पूरा कर दिखाया। मनुष्य अब भी रुकेगा नहीं, वह नई कठिन चुनौतियां ढूंढेगा, नई चोटियां, नई कठिनाई तलाश करेगा, फिर उनसे जूझेगा। यही मनुष्य का स्वभाव है। प्रश्न उठता है, पर्वतारोहण करके क्यों अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए, क्यों समय और धन बर्बाद किया जाए। विचार कर देखें तो पर्वतारोहण व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है। इससे व्यक्ति में साहस और सूझबूझ का विकास होता है, संकटों से जूझने की क्षमता आती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, धैर्य, सहकारिता और कर्मठता के गुण का विकास होता है। सफलता ही नहीं, असफलता भी नई चीज सीख लेने की प्रेरणा मिलती है। इस तरह पर्वतारोहण व्यक्ति का बहुमुखी विकास करके उसे उन्नति के नई सोपानों की ओर ले जाने में सहायक होता है। तो देखा बच्चों, एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर भी हम चढ़ने में सफल हो गए। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। आज आपको कुछ नहीं करना है, आज आपको चैप्टर पढ़ना है और इसके शब्दार्थ करने हैं। ठीक है, और इसके मौखिक और लिखित प्रश्न ढूंढ के तैयार रखेंगे।